तो इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लालू यादव को सजा सुना दी गई है। जो चारा घोटाले का पांचवा केस था जिसके अंदर सजा रिजर्व की गई थी, 5 साल की सजा सुनाई गई है और 5 साल की सजा का ऐलान आज किया गया है। सजा के लिए लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये चारा घोटाले का पांचवा केस था। रांची की विशेष अदालत में इसकी सुनवाई हुई थी और लालू समेत 38 लोगों को दोषी करार दिया गया था। आज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी सजा का ऐलान किया गया है और लालू यादव को चारा घोटाले में सजा सुनाई गई है। करीब 25 साल से ज्यादा पुराना यह केस है, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय का यह केस है और इस केस में अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया है। तो डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए निकासी के मामले में यह पांचवा मामला था चारा घोटाला का, जिस मामले में 15 फरवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 38 लोगों को आरोपी माना था और इस मामले में सजा का ऐलान होना था आज यानी 21 तारीख को, और अब यह तय हो गया है कि उन्हें 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है कोर्ट द्वारा। इसके अलावा 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। चारा घोटाला का यह पांचवा मामला है। इससे पहले जो 4 मामले थे उसमें पहले ही दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा का ऐलान हो गया, यानी एक और केस में लालू यादव को सजा का ऐलान कर दिया गया है। 60 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया गया। तो आज जो कोर्ट की कार्रवाई हुई, आपको बता दें कि वो ऑनलाइन हुई है और इसी में अब सजा का ऐलान कर दिया गया है। अवैध तरीके से डोरंडा ट्रेजरी केस से 139 करोड़ रुपए निकालने का ये पूरा मामला था, जिसमें एक लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद ऐलान कर दिया गया है लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा का। तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के लिए ये एक बड़ा झटका और साबित हो सकता है, खासतौर पर आरजेडी के लिहाज से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।